हेलो कमिश्नर प्रकाश राठौड़, आई एम जस्ट द स्टुपिड कॉमन मैन वॉन्टिंग टू क्लीन हिज हाउस। मैं इब्राहिम खान, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुशीद लाला को बचाना नहीं, मारना चाहता था। उन्हें फक्र है गुजरात, मुंबई, दिल्ली, मलेगांव पे। मुझे फक्र है खुद पे कि मैं ऐसे लोगों को मार रहा हूं। और स्टुपिड कॉमन मैन, सब खैरियत? हाल चाल क्या पूछ रहे हो भाई, खत्म करो इसको। अरे रुक जा लाला। भाई इसने हमारे चार भाइयों को मारा और हम इसको ऐसे ही जाने देंगे? तुझे कितनी बार बोला है अपना माथा ठंडा रखा कर। कौन हो तुम लोग? अरे बैठ 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 बैठ, कॉमन मैन बैठ बैठ नीचे। वैसे क्या दिमाग पाया है? एक बिल्डिंग पर बैठे बैठे मेरे चार लोगों को मार दिया, जिगरे की दाद देता हूं। तुम लोग क्या कह रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा हुआ राठौड़ साहब आप आ गए। हमारे जैसे न जाने कितने कॉकरोच तेरे घर में घुसकर बैठे हैं और सिर्फ चार को मार के तू सोचता है तूने कोई जंग जीत ली? तभी मुझे अरेस्ट नहीं किया। तुझे अरेस्ट नहीं, जान से मारना है साले। आप आज तो मुझे मार दोगे राठौड़ साहब, लेकिन मेरे जैसे हजार कॉमन मैन और पैदा होंगे। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप इन कॉकरोचों का सफाया नहीं करेंगे तो हमें झाड़ू उठानी पड़ेगी और हम उठाएंगे। मेरे बाद कोई और पागल सा सनकी सा आदमी आएगा जो इन कॉकरोचों का सफाया करेगा, और ये सफाई तब तक चलती रहेगी जब तक हम इन कॉकरोचों को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक देते। उन चार आतंकवादियों को मारकर मैंने कोई जंग नहीं जीत ली, यही कहा था ना आपने? लेकिन राठौड़ साहब, मैंने एक जंग शुरू जरूर कर दी है। मुझे फक्र है कि मैंने उन चार आतंकवादियों को मारा और उसके और तू मेरी बात सुन। जो भी हमारे और हमारी जिहाद के बीच में आएगा वो ऐसे ही मरेगा। राठौड़ खत्म कर इसको। तो क्या कहा था तूने कि कोई भी मार
बटन दबा के तेरे लिए ये फैसला नहीं करेगा कि तुझे कब मरना है। फक्र है। Ha 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 ha